हो रहा है। प्रयागराज और कौशाम्बी में चुनाव की प्रक्रिया जारी है। वहीं प्रयागराज नगर निगम बूथ पर बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मतदान किया, साथ ही उन्होंने सभी सीटों पर जीत का दावा भी किया। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह विधान परिषद चुनाव में मतदान करने पहुंचे, उनसे बात करते हैं। सर, 9 सीट तो पहले आपके पास जीत चुके थे, अब बाकी जो सीटें हैं उस पर किस तरह की तस्वीर दिखाई दे रही है? आज का जो मतदान है उसके बाद क्या कहेंगे? मैं ये जो दिख रहा है और जो खबरें आ रही हैं कि बाकी जो 27 सीटें हैं वो भी अब भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ रहे हैं और बड़ी मात्रा में जो क्रॉस वोटिंग हो रही है वो भी हो रही है। समाजवादी पार्टी के भी जो पार्षद हैं या अन्य उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जिता रहे हैं। कोई विधायक तो नहीं समाजवादी पार्टी के जो जिता रहे हैं बीजेपी कैंडिडेट? अब वो तो समय बताएगा। शिवपाल जी कुछ कह रहे हैं कि हम जो है बहुत जल्द आप लोगों को सूचना देने वाले हैं, तो ऐसी कोई परिस्थिति दिखाई? वो तो शिवपाल जी बता सकते हैं, मैं उसके बारे में क्या आपको दे सकता हूं, मगर उन्होंने कोई निर्णय लिया तो वही बताएंगे। बड़ी चर्चा है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मैंने फिर कहा उसकी जो भी चर्चा होगी उसका जो आपके प्रश्न का उत्तर वही दे पाएंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि गुंडई के बल पर तमाम जो लोग हैं उनको नामांकन नहीं करने दिया, बीजेपी ये जीत रही चुनाव जिस तरह से नौ सीटें पहले जीती है उसी तरह की आगे भी जो है उन्होंने कहा है कि गुंडई और उसके बल पर ताकत के बल पर जीत रहे हैं। देखिए, जब 2022 के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो अखिलेश जी को समझ आ गया था कि उनकी नैया डूब रही है, तो उन्होंने ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया था। आज क्योंकि बैलेट है तो इनको समझ आ गया है कि वो हार रहे हैं, 36-36 हार रहे हैं, तो इसलिए वो अब सरकार के ऊपर, भाजपा की सरकार पे एक ठीकरा फोड़ना चाहते हैं। मतदान करने पहुंचे हैं विधान परिषद चुनाव में और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जिस तरह से 9 सीटें बीजेपी को के पास लगभग बीजेपी की जीत हो चुकी है, उसी तरह जो बाकी की 27 सीटें हैं उन पर भी बीजेपी को जीत मिलेगी। साथ ही उन्होंने विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। एमएलसी चुनाव पर कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि बीजेपी विधान परिषद की सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। निषाद ने कहा कि ये चुनाव प्रदेश में खुशहाली लाएगा।